आज नवरात्रों का आखिरी दिन, सुने यह चमत्कारी स्तुति। जाते जाते माता रानी से धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, यानी महानवमी का पर्व है, और महानवमी के दिन इस स्तुति को या इस स्तोत्र को कोई भी भक्तजन श्रद्धा भक्ति एवं निष्ठा से श्रवण करता है तो निश्चय ही उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पहले हम आपको इस स्तोत्र को संस्कृत में सुनाएंगे, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा भी, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए जगदम्बे मात की जय। ओम श्री दुर्गा ये नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्षामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचिनी। आर्या दुर्गा जयाचाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपः मनोबुद्धिर अहंकारा चित्तरूपाचिता चितिः। सर्वमंत्र मयि सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः। शांभवी देवमाता च चिंता रत्न प्रिया सदा। सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णा नेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजिनी। अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता। ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा। बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभननी महिषा सुरमर्दिनी मधुकैटभ हंत्री च चंडमुंड विनाशिनी। सर्वाशुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्र मयि सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शास्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी। कुमारी चैक कन्या च कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला। अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी। शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। य इदं प्रपटे नित्यं दुर्गा नाम सताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभन् मुक्तिं च शाश्वतीम्। कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् पर्या भक्त्या पठिन्नाम शताष्टकं। तस्य सिद्धिर् भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दास्तां यान्ति राज्यश्री भवाप्नुयात्। गोरोचना लक्तककंकुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः। भौमावस्यानिशामग्रे चंद्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपटेत स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम्। श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रं श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अभी आपने श्री विश्वसार तंत्र का दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम जो है माता जी के जगदम्बा के 100 नामों का श्रवण किया।
इन 100 नामों का कोई भी भक्त जन यदि श्रवण करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और माता रानी का भरपूर आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। अब हम आपको श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, जो कि माँ जगदम्बा के 100 नाम कहे गए हैं, उनको हिंदी में आपको सुनाएंगे। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मन लगा करके सुनिएगा। जो स्तुति हमने आपको संस्कृत में सुनाई उसका ही अर्थ हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं, हे कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शत नाम का वर्णन करता हूँ। सुनो, जिसके प्रसाद या पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा अत्याधिक प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मन चाहा फल प्रदान करती है। ओम सती साध्वी भव प्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी भवमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारणी पिनाकधारणी चित्रा चंडघंटा, प्रचंड स्वर से घंटनाद करने वाली, महातपा भारी तपस्या करने वाली, मन मनन शक्ति बुद्धि बोध शक्ति, अहंकारा अहंता का आश्रय, चित्त रूपा चिता चिति चेतना, सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्स्वरूपा सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है, भाविनी सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या कल्याण स्वरूपा, अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कहीं है ही नहीं, सदागति शांभवी शिव प्रिया देव माता, चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा तपस्या के समय पत्ते को खाने न खाने वाली, अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली, पाटला लाल रंग वाली, पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पट्टांबर परिधाना रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजीर रंजनी मधुर ध्वनि करने वाली, मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमेय विक्रमा असीम पराक्रम वाली, क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंगा मुनि पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी एंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटभ हंत्री चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्व दानव घातिनी सर्व शास्त्र मई सत्या सर्वास्त्र धारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता विनाश रहिता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। हे देवी पार्वती, जो प्रतिदिन या नवरात्रि के दौरान दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। यानी इस स्तुति को सुनने वाला धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा भूमि भवन वाहन धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पत्नी संतान आदि समस्त सुखों को प्राप्त करता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कुमारिका का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ आरंभ करें। हे देवी, जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा भी उसके दास हो जाते हैं और वह राज्य लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी धन लक्ष्मी और
समस्त लक्ष्मियों को प्राप्त करके इस संसार में सभी प्रकार के सुखों को भोगता है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। गोरोचन, लाक्षा, कुंकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिख करके जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह भगवान शिव के तुल्य होकर के मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। भोमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह परम संपत्तिशाली या महाशक्तिशाली बन जाता है और उसके जीवन में माता रानी की भरपूर कृपा बरसने लगती है और उसके घर परिवार में सुख शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय, जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महाकाली माता की जय, महासरस्वती माता की जय। जोर से बोलिए जय माता दी, प्रेम से बोलिए जय माता दी, हम सब मिल बोले जय माता दी, बच्चे बोले जय माता दी, बूढ़े बोले जय माता दी, माता बोले जय माता दी, बहना बोले जय माता दी, हम सब मिल बोले जय माता दी। भक्तजनों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे उनकी भरपूर कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बरसने लगेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।